आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नवरात्र पर्व में अष्टमी के दिन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का आवास भक्तिमय हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री की धर्मपत्नी भाजपा नेत्री मधु बघेल ने आवास पर माता रानी की अष्टमी मनाई। अष्टमी के पावन अवसर पर भाजपा नेत्री के आवास पर माता रानी का खूबसूरत चौकी भी स्थापित की गई। आवास पर मौजूद सभी महिला भक्त भक्ति में लीन नजर आईं। धार्मिक पर्व का दिन हो और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का घर भक्ति में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नवरात्र के अष्टमी के दिन उनकी धर्मपत्नी और भाजपा नेत्री मधु बघेल ने माता रानी का दरबार सजाया तो सैकड़ों महिला भक्त उनके आवास पर माता रानी के दर्शन और पूजन के लिए पहुंची। आवास पर मौजूद भक्तों ने माता रानी के सुंदर सुंदर भेंट गाए तो घर ढोलक मंजीरे और ताशों की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही मधु बघेल माता रानी की भक्ति में लीन होकर नाचने लगी। माता की चौकी स्पर्श संस्था की ओर से स्थापित की गई। आज जैसा कि पता है कि नवरात्रों के बाद माँ दुर्गा के दिन थे, सबने बहुत पूजन किया। उसके बाद आज अष्टमी है माँ की, तो उसी का पूजन आज किया गया है और कल लास्ट है। कुछ जगह अष्टमी पूजन होता है, कुछ जगह नवमी पूजन होता है, तो आज हम लोगों ने अष्टमी पूजन किया है। आज हमने आप देख रहे हैं कि जैसे कि भजन संध्या रखी है एक माता की चौकी के छोटे से रूप में, तो सब लोग भजन गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं भजन का। हमने पूरा 9 दिन हम लोगों ने भजन गाए हैं। अपना एक हमारा जो स्पर्श चैरिटी क्लब है उसी की हम सदस्य हैं कि सबने हमारा ये डिसाइड किया था कि सब लोग एक एक के घर में हम लोग करेंगे, तो आज अष्टमी का दिन मेरे यहाँ पे निश्चित हुआ है, तो इसीलिए भजन पूजन हो रहा है। आज मधु बघेल जी के निवास पे हमने माता अष्टमी के भजनों का आनंद लिया है। समझो ये दीवानों की नगरी है और यहाँ पे सब माता के 9 दिन के दीवाने हो चुके हैं। यहाँ माँ को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि माँ अपना आशीर्वाद दो और हम सब पे कृपा करिए। अभी इस बारी हमने अपनी भजन संध्या की एक टीम बनाई है, जो हमने पहले नवरात्र से लेकर नौमी तक के हर घर में हमारी बहनों ने पूरी मधु बघेल जी के नेतृत्व में हमने भजन संध्या का आयोजन किया और खूब मस्ती करी है और माँ के जयकारे गाए हैं। जैसे मधु ने और हम सब ने मिलकर प्लान किया था कि अब नवरात्रे जब तक चल रहे हैं तो हर किसी के घर में एक एक दिन हम लोग भजन संध्या रखेंगे। जैसे पंचमी को हमारे निवास पे था, आज अष्टमी है तो आज मधु जी के निवास पे है। तो हम लोग लगातार जो है, जब से शुरू हुआ है नवरात्रा, हम लोग प्रतिदिन जो है वो भजन संध्या करते हैं और ऐसे ही माता के भजनों का आनंद लेते हैं, नाचते हैं, उनको याद करते हैं। थोड़ा समय जिसने दिया है हमें जीवन, उसकी श्रद्धा भक्ति में भी निभा लेते हैं। धार्मिक अनुष्ठान हो या फिर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम, हर कार्यक्रम को आयोजित करने में मधु बघेल हमेशा आगे रहती हैं। आवास पर अष्टमी के दिन सभी भक्त भक्ति में नाचते गाते दिखे। मुझे जो है कि अच्छा लगता है, ये तो आप जानते हैं कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब उसकी मर्जी होती है तभी ये भजन पूजन पाठ भी तभी हो सकता है। अगर आज उसकी इच्छा है यहाँ मेरे घर भजन पूजन की, तो तभी हो रहा है ये। तो इससे एक संदेश भी जाता है, हमारे एक धार्मिक प्रवृत्ति भी बनती है और थोड़ा हम मतलब हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है, मिलन मिलाप होता है, आपस में प्यार भाव बढ़ता है एक दूसरे से। तो मिलकर बैठकर हम लोग भजन पूजन करते हैं। आज हमारे घर में अष्टमी के उत्सव पर माता रानी की चौकी लगाई गई है। मेरी मम्मी ने इस बार सोचा, क्योंकि वो बहुत धार्मिक है और अपने साथ सभी लोगों को हमेशा धार्मिक प्रोग्राम्स में बिजी रखती हैं, तो इस बार उन्होंने, उनकी फ्रेंड्स ने सोचा कि माता रानी के 9 दिनों में हर एक सहेली के घर पे शाम को माता रानी की रौनक लगाई जाएगी। तो पहले दिन से शुरू हुआ है ये और आज अष्टमी में हमारे घर में ये मौका मिला कि माता रानी की चौकी लगाएं। माता रानी के दरबार में शहर की जानी पहचानी हस्तियां भी आईं। सभी ने माता रानी की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। आयोजन कोई भी हो, उसमें भाजपा नेत्री मधु बघेल के घर पर हमेशा ही रौनक रहती है। वो हर काम को अलग ही अंदाज में करती हैं। जीवन में पति के इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनका परिवार हमेशा ही सादे तरीके से रहते हुए हर किसी के साथ दयालुता दिखाता है। सी न्यूज़ के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।